बिल्कुल वो नहीं सुनना चाहते हैं। मैं उसे एक मिठाई दूंगी। उन्हें मीठे बेर चाहिए, उसे मीठे बेर मिलेंगी। एक सौदा है। क्या आप आने वाली जिंदगी में विश्वास रखती है? मेरी जिंदगी हमेशा से ऐसी ही थी जब से ये मुझे मिली है। मैं सुन रहा हूँ। ओ दोस्त बुड्ढे, तुमने मुझे पहले ही क्यों किया? मैं नहीं जानता था क्या कि तुम वैसे हो जाओगी। मुझे मीठे बेर दोगी? पहले कहने कसम खा कर बोलो। किसकी कसम? अपनी कसम। मेरे लिए दो मीठे बेर? नहीं, एक। मेरे लिए एक और उसके लिए? नहीं, सिर्फ एक। अब खामोशी से कहने सुनो। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, सब खत्म हो गए, सब लगभग सब खत्म, अब कोई बातचीत भी नहीं बचेगी। ये मेरी खोपड़ी में कुछ टपकता रहता है जन्म से ही, टप टप हर पल। ओ शायद ये कोई छोटी नस है या कोई छोटी धमनी। ओ इसे बाहर निकलना होगा। हाँ, मुझे कहानी सुनानी है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, वो आदमी पेट के बल रिंग तवा मेरे पास आया, पीला, आश्चर्यजनक पीला, पतला, वो उस बुंदी पर नजर आ रहा था। नहीं, ये सब तो मैं पहले सुना चुकी हूँ। हाँ, मैंने अपने पाइप को भरा, नक्काशीदार पाइप, और फिर मोम से बनी दिया स्लाइस से जलाया और एक कश खींचा। तुम्हें चाहिए? वो बहुत ठंड का दिन था, मुझे अच्छे से याद है, तापमान शून्य से नीचे। लेकिन त्योहारों के मौसम में कोई फर्क नहीं पड़ता, हर तरह के मौसम बड़े खुशबूदार और सुहावने लगते हैं। मैंने उस आदमी की तरफ देखा और उसे कहा, नहीं नहीं, कौन सी मनुष्य तुम्हें यहाँ खींच लाई है? उसने अपना चेहरा उठाया, काला गंदा, आंसू की धब्बों से भरा। नहीं नहीं, मुझे इस तरह से मत देखो। उसने अपनी आंखें नीचे की, कुछ बुदबुदाया जैसे वो मुझसे माफी मांग रहा। देखो, मैं बहुत मसरूफ हूँ, त्योहार का दिन है, आखिरी सात सजावट बाकी है, जो कहना है जल्दी कहो। हाँ, बहुत खुशगवार दिन था, और सूरज सर पर था, लेकिन अचानक सूरज नीचे तेजी से डूबने लगा, जैसे मृतकों के बीच जा रहा हो। अच्छा रूपक है, मृतकों के बीच अच्छा रूपक है। देखो, मेरे पास समय नहीं है, तुम क्या कहना चाहते हो जल्दी आइएगा। तो उसने मुझे बताना शुरू किया। उसने कहा कि मेरा छोटा सा प्यारा सा बच्चा, हाँ यानी लड़का। उसने लड़का तो इस तरह से कहा जैसे लड़का या लड़की का अलग अलग होना कोई मायने रखता हो। फिर मैंने उसे पूछा कि वो कहाँ से आया। उसने उस जगह का नाम बताया जहाँ से वो आया था। मैंने उसे पूछा क्या वहाँ आबादी है। उसने कहा नहीं नहीं, सिर्फ मेरे और मेरे छोटे बच्चे की सिवा वहाँ कोई और नहीं है। मैंने उसके वजूद पर यकीन कर लिया। उसे पूछा घाटी के क्या हाल है। उसने कहा पाप पाप। तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूं? तुम अपने छोटे बच्चे को वहां छोड़कर आए हो बिल्कुल अकेले, उन सब का सामना करने के लिए। वह एक खौफनाक दिन था, हवा तेज गति से 100 की गति से चल रही थी, ऊंचे ऊंचे सूखे दरख्तों को गिरा दे रही थी, सबका सफाया कर दे रही थी। हवा खामोश, जल्दी बताओ आखिर तुम उसे चाहते क्या हो। उसने मुझे बताया कि वो मुझसे चाहता क्या है। उसने कहा वो अपने बच्चे के लिए रोटी चाहता है। रोटी? मेरे पास रोटी नहीं है। उसे मेरे इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा अनाज, शायद थोड़ा अनाज। हाँ, अनाज है मेरे पास, मेरे भंडारे में अनाज है, लेकिन
तुम थोड़ा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, मान लो मैं तुम्हें थोड़ा सा नाच दे दूं और तुम उसे लेकर अपने बच्चे के पास चले जाओ अगर वो जिंदा है तो, और उसे तुम एक दलिया बनाकर खिलाओ खूबसूरत से प्याले में, नक्काशीदार प्याले में, हाँ पोषण से भरा दलिया। हो सकता कि तुम्हारे बच्चे की गाल में लाली छा जाए, तब क्या? तब क्या? सब्र का बांध टूट गया क्या? तुम अपनी खोपड़े का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते अपनी खोपड़े का इस्तेमाल। हम यहां इस धरती पर हैं जिसका कोई इलाज नहीं। वो बहुत सूखा दिन था, तापमान शायद बहुत ऊपर, गठिया के रोग के लिए शायद बेहतर हो। फिर मैंने उसे पूछा, क्या तुम्हारे लिए ऊपर से संदेश आया है कि वसंत के मौसम में पृथ्वी जाग जाएगी, कि मछलियां फिर से नदियों और समुद्रों में दौड़ लगाने लगेगी, या स्वर्ग में देवताओं के लिए बने भोजन सीधे यहां नीचे तुम जैसे मूर्खों के लिए उतर आएंगे? मैंने अपने गुस्से पर काबू किया। मैं जानना चाहती थी कि उसे कितने दिन लगे यहाँ मेरे पास आने में। उसने बताया 3 दिन। मैंने उसे पूछा कि वो अपने बच्चे को किस हाल में छोड़कर आया है। उसने बताया गहरी नींद में। गहरी नींद में? किस किस्म की गहरी नींद में? मैंने फिर अपने गुस्से को काबू में किया, क्योंकि उस छोटे से बच्चे के जिक्र ने मेरे दिल की तार को छू लिया था। मैं जानती हूँ कि मैं इस दुनिया में बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगी, इसलिए मैंने उसे उसके बच्चे को मेरे पास लाने के लिए कहा। जैसे मैंने उसे कहा वो खुश हो गया। उसने कहा अगर मैं अपना बच्चा यहाँ ले आऊँ, अगर वो जिंदा है तो क्या आप उसे रखने के लिए रजामंद हो जाएंगे? बस इसी पल का मुझे इंतजार था। क्या मैं उसे बच्चे को रखने के लिए तैयार हो जाऊंगी? वो घुटने के बल बैठ गया, कोने को जमीन पर टेक कर अपना चेहरा ऊपर उठाकर अपनी बावरी आंखों से मुझे इस तरह देखने लगा जैसे वो मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे तैयार करना चाहता हो। मैं अपनी कहानी यही खत्म करती हूँ। मैं इस कहानी को आगे बढ़ा सकती थी अगर मुझे कुछ और चरित्र मिल जाते। मैं उन चरित्रों को ढूंढने के लिए कहाँ जाऊँगी, कहाँ ढूंढने जाऊँगी? नहीं छोड़ो, हम प्रार्थना करते हैं। मुझे मीठे बियर चाहिए। रसोई में एक चूहा है। चूहा? क्या चूहा भी बचा है? रसोई में एक है। तुमने उसे मारा नहीं? अभी आधा ही मारा था कि आपने मुझे बुला लिया। कहीं वो भाग नहीं जाए? मैं उसे मार कर आती हूँ। नहीं, बाद में मार लेना। हा? पहले प्रार्थना। हाँ फिर से। मुझे मीठे बेर चाहिए। पहले प्रार्थना शुरू करो। हे ईश्वर, खामोश। क्या तुम प्रार्थना करने का तरीका भी भूल गए? कोई उम्मीद नहीं है उसे। सब पर लानत है। सरकार, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। हैरानी कहकर उसका कोई वजूद नहीं है। अभी तक तो नहीं है। मुझे मीठे बेर दो। मीठे बेर नहीं है। जानता था तुम यही कहोगी। आखिर मैं तुम्हारा बाप हूँ। अगर मैं तुम्हारा बाप नहीं होता तो कोई और होता, परंतु ये कोई तर्क नहीं। मसलन कामधेनु गाय का दूध, हम जानते हैं यह नहीं है, लेकिन हमें उसका मोह है संसार की कई चीज से भी ज्यादा। और एक दिन मैं तुमसे कुछ मांगूंगा
किसी एहसान के बदले और तुम मुझे देने का वादा करोगी। हमें समय के साथ चलना चाहिए। तुम्हें याद है जब तुम छोटी बच्ची थी तो अंधेरे से डर कर किसे बुलाया करती थी? अपनी माँ को नहीं, मुझे। और हम तुम्हें रोने देते और फिर तुम्हें उठाकर कहीं दूर लटा देते, और जब मैं सुकून की नींद सोता किसी राजा की तरह तुम मुझे जगा देती ताकि मैं तुम्हारी बात सुनूं, हालांकि ये कोई जरूरी नहीं होता। ऐसी कोई बात नहीं होती जिसे सुनने की जरूरत होती मुझे। मुझे उम्मीद है कि वो दिन आएगा जब तुम्हें हकीकत में मेरी जरूरत होगी, कि मैं तुम्हारी बात सुनूं और तुम मेरी आवाज, किसी भी आवाज को सुनो। मुझे उम्मीद है कि तब तक जीवित रहूंगा जब तुम मुझे एक बार फिर वैसे ही रो कर बुलाओ, जैसे कि बचपन में अंधेरे से डर कर बुलाया करती थी, और उस वक्त मैं ही तुम्हारी एकमात्र उम्मीद होता था। चले सारे खुलासे समाप्त हो गए। कुत्ता भी चला गया। वो असली कुत्ता नहीं है, वो नहीं जा सकता। कहाँ है वो? वो नीचे है, उसे मेरे हवाले करो। ले लीजिए कुत्ता, गंदा जानवर। क्या कर रही हो तुम? मैं सब कुछ रख रही हूँ, मैं साफ कर रही हूँ। मेरा हुक्म सुनो। हुक्म? मुझे हुक्म पसंद है। ये मेरा सपना है कि ऐसी दुनिया जहाँ सब चुप रहेंगे और शांत रहेंगे, और हर चीज अपनी आखिरी जगह पर होगी, धूल की आखिरी परत के नीचे। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम क्या कर रही हो? मैं हुक्म को पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। सब फेंक दो, सब के सब जाता। तुम्हारे पैरों को क्या हुआ? मेरे पैरों को? आवारे घुमक्कड़ू पैरों को? मुझे अपने जूते पहन लेना चाहिए। क्यों, चप्पलों में क्या दिक्कत है? मैं आपको छोड़ दूंगी। नहीं, यह है ही का जो मैं रहूं। सब बात बातचीत जैसे मुझे अभी एक कहानी मिली, एक अच्छी कहानी। क्या तुम उसे नहीं पूछा कि मुझे ये कहानी कहाँ मिली? ओ, आपकी कहानी? कौन सी कहानी? वो कहानी जो हर वक्त आप खुद को कहती रहती है। तुम्हारा मतलब मेरे अतीत से? हाँ, वही। चलती रहो। क्या तुम चलती नहीं रह सकते? चलती रहो। मुझे उम्मीद है कि आपकी कहानी कुछ आगे बढ़ी। नहीं, बात आगे नहीं, बात आगे नहीं। लेकिन कभी कभी किसी पल से हमें कोई प्रेरणा नहीं मिलती और हम इसका कुछ कर भी नहीं सकते सिवाय इंतजार के। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, ये घातक है। जैसे मुझे अभी अभी कहानी मिली, तकनीक
शैली, आप जानते ही हैं मैंने अभी अभी अपनी कहानी को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाया है। वो मैं ये कभी नहीं कर पाती, सब कुछ के बावजूद भी आप इसको आगे बढ़ा पाए, दैट्स ग्रेट। थैंक यू थैंक यू, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन कुछ नहीं से बेहतर है ये। कुछ नहीं से बेहतर, क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है, मैं बताती हूँ कैसे। वो आदमी पेट के बल गिनता हुआ मेरे पास आया। कौन? कौन मतलब? मतलब आप किसके बारे में कह रही हैं? किसके बारे में मतलब? उसी के बारे में। अच्छा, उसी के बारे में, मुझे पक्का मालूम नहीं था, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, वो आदमी पेट के बल रिंगता हुआ मेरे पास आया और अपनी भूखे के बच्चे के लिए रोटी मांगने लगा। मैं उसे माली की नौकरी की पेशकश करती इसके पहले ही। इसमें हंसने की क्या बात है? माली की नौकरियां? इस बात पर हंसी आई? हाँ शायद। रोटी की बात पर नहीं, बच्चे की बात पर भी नहीं। मैं तुम्हें बता दूं, ये पूरा किस्सा ना बहुत मजेदार है। अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक बार फिर जोर से हंस सकते हैं। आज मैं और नहीं हंस सकती। मैं भी नहीं। आगे सुनो, आसान के बदले नौकरी कबूल करने से पहले उस आदमी ने कहा कि क्या वो अपना बच्चा अपने साथ आ सकता है। किस उम्र का? छोटी उम्र का। तब तो पेड़ों पर चढ़ जाता होगा, सारे काम कर लेता होगा और बड़ा भी हो गया होगा। हाँ मुमकिन है। बताते जाइए, रुकिए मत। बस यहीं तक, मैं यहीं रुक गई। क्या आपने देखा कि वो कैसे काम करता है? कम बेश। क्या जल्दी खत्म नहीं होगा? हाँ ये कहानी जल्दी खत्म हो सकती है। फिर आप दूसरी कहानी बना लेंगी? बहुत मुमकिन है, मैं दूसरी कहानी बना लूंगी। दूसरी कहानी से भी ज्यादा शुष्क हो सकती है। एक लंबे समय तक चलने वाली रचनात्मक कोशिश। अगर मैं खुद को खींचकर समुद्र के नीचे ले जा पाती तो अपने सर के नीचे रेत का तकिया रखती और ज्वार भाटा आता। ज्वार भाटा और नहीं है। जा देखो बुढ़िया मर गई क्या। ऐसा दिखता है। और बड्डा ऐसा नहीं दिखता है। इसका मतलब वो जिंदा है। कांतिका मुझे खिड़की के पास ले चलो ना। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं सूरज की किरणों को अपने चेहरे पर महसूस करूं। तुम्हें याद है बहुत पहले जब तुम मुझे इस तरह से घुमाने ले जाया करती थी तो तुम कुर्सी को बहुत ऊंचा उठा देती थी और मैं गिरते गिरते बचती थी और फिर हम दोनों खूब हंसा करते थे। नहीं क्या? पहुंच गए क्या? रोशनी है? अंधेरा नहीं है। मैंने पूछा रोशनी है। हाँ। पर्दा लगा है? नहीं। ये कौन सी खिड़की है? जमीन वाली। मुझे पता था जमीन वाली। मुझे दूसरी खिड़की पे ले चलो। हम पहुंच गए क्या? हाँ पहुंच गए। अब मैं अपने चेहरे पर धूप की किरणों को महसूस कर रही हूँ। नहीं नहीं, तुम कहना चाहती हो कि मेरे चेहरे पर ये जो धूप की किरणें हैं वो कीड़े नहीं है? नहीं है। क्या मेरा चेहरा बहुत सफेद है? सामान्य से अधिक नहीं। खिड़की खोलो। किस लिए? मैं समंदर को सुनना चाहती हूँ। आप नहीं सुन पाएंगी। खिड़की खोलने के बाद भी? तुम कहना चाहती हो खिड़की खोलने का कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं। फिर भी खिड़की खोलो। खोल दिया? हाँ। कसम खा कर कहो। हाँ